दिसंबर 2020 को अंबेडकर चौक रेलवे स्टेशन भागलपुर पर नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं डीआरएम कार्यालय, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनएचएफटी की बदतर हालत, जेएलएनएमसीएच को एम्स जैसी सुविधा युक्त करने, आयुर्वेदिक महाविद्यालय नाथनगर, नियमित रेल चालन, हवाई सेवा शुरू करने, स्मार्ट सिटी भागलपुर के विकास और पारदर्शिता, कृषि उत्पाद की एमएसपी पर खरीद आदि के मांगों के लिए धरना दिया जा रहा है। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता नागरिक संघर्ष मोर्चा के संयोजक लोक जनमानस की आवाज़ प्रखर शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र द्वारा आयोजित हो रही है। सर, आपकी मुख्य मांगे क्या है? भागलपुर को नेताओं ने बहुत आश्वासन दिया, हवाई जहाज उड़ाएंगे उड़ाने हम लोग और जनता की तरफ से कहे कि आपको हवाई जहाज उड़ाना पड़ेगा, एनएचएटी ठीक करना पड़ेगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिला में खोलना पड़ेगा, जो बंद पड़ा हुआ है आयुर्वेद महाविद्यालय उसको शुरू करना पड़ेगा, डीआरएम ऑफिस क्यों नहीं आज तक डी आर एम ऑफिस क्यों नहीं है? यहाँ सांसद है, विधायक है, नगर अध्यक्ष है, मेयर है, तमाम लोग हैं, कोई वो क्यों नहीं रहा? ये तो तमाम मांगे हैं भागल, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं और जनता की संसद जो जनता की मांग है उसकी तरफ से हम लोग आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि आगे कैसे चलाना है, लेकिन आंदोलन लगातार चले देखिए भागलपुर की समस्या समुद्र जाल में फंसा हुआ भागलपुर का मुख्य मांग है भागलपुर से पेंडिंग का जो है रेलवे लालू प्रसाद यादव जी से न्यास के लिए उसका जो उद्घाटन हो बंदर से तैयार हो और आयुर्वेदिक कॉलेज जो हमारा नाम नगर का बंद की स्थिति में है उसको ढंग से उसको नया जो है ढंग से उसको चालू किया जाए, भागलपुर में एम्स की स्थापना हो, अपराध मेरा शहर हो और गाँव पर कितनी सारी समस्या है, गाँव की समस्या है, रेशमी नगर का जो है उद्योग व्यवस्था सारा प्रभाव है, इन सारे सवाल पर हम लोग का आंदोलन है, सरकार असक्षम साबित हो रहा है और केंद्र की सरकार किसानों के साथ जो अभी चल रही है उसके खिलाफ में भी हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जैसे तय करेंगे हम लोग का जो बैठ करके आगे रणनीति का तय होगा उसके बाद हम लोग व्यापक लड़ाई लड़ेंगे, आगे हम लोग व्यापक लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं।